जय भीम, जय जवाहर, जय प्रसाद, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल अर्थात BCNC न्यूज। विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो ओरा है वो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पूरे विश्व पे छाता जाएगा। जी हाँ, उसी क्रम में आपने देखा होगा कि विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है, उनके जो विचार हैं, वहां की जनता सुनती है, अध्ययन करती है और उन्हें अपनाने लगी है। उसी क्रम में एक प्रशांत महासागर में एक देश है, मतलब प्रशांत महासागर की सीमा को टच करता है और वो जापान के करीब है और उसका नाम है दक्षिण कोरिया। ये वैसे तो विकसित देश माना जाता है और वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है। जी हां, आप जो देख रहे होंगे पीछे, वहां के जो लोग हैं वहां गए और उन्होंने ये इस प्रतिमा पर ये फोटो खिंचाई है। बात करें दक्षिण कोरिया, ये दिखाई दे रहा है और ऊपर आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के जस्ट नीचे दक्षिण कोरिया है और दक्षिण कोरिया आपका जापान के नजदीक है, यानी जापान और दक्षिण कोरिया में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोरिया जो स्टेट है वो इन दोनों को अलग करता है और वहां पर एक स्थान है योंगप्योंग, ये दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल उसके नजदीक है। और वहां पर कोरिया जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है उसने 3500 स्क्वायर फुट जमीन दी और वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। ये आप फोटो आप देख रहे होंगे, ये बाबा साहब की जो कांस्य प्रतिमा है और वहां जो स्थापना करने वाले लोग हैं ये। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन ने ये जानकारी दी, उन्होंने इसे ट्वीट के माध्यम से बताया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टैचू वाज इनॉग्रेटेड इन योंगप्योंग नियर सियोल द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया और द कोरियन बुद्धिस्ट सोसाइटी ने 3500 स्क्वायर फीट जो जमीन है वो बुद्ध विहार और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के लिए ये डोनेट की है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर रिसोर्स सेंटर के लिए ये जमीन डोनेट की गई है। वहां पर अब आगे और भी कार्य होंगे तो आप अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाइए, इतना अच्छा से पढ़ाइए कि बाबा साहब डॉक्टर वो इतना कमा सके कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रिसर्च सेंटर विश्व के सभी देशों के शहरों में खोल सके, उनकी आइडियोलॉजी को हर विश्व की यूनिवर्सिटी में यानी विश्व की प्रत्येक यूनिवर्सिटी में बता सके। हम लोग इतना अच्छा कार्य करें कि विश्व की सारी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो फिलॉसफी है वो स्थापित हो और वो स्टडी के रूप में आए। हालांकि दिन ब दिन आगे काम बढ़ रहा है लेकिन जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए उसमें लगता है कि हम लोगों की कोई ना कोई कमी है। आज मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि इस खुशी के पर्व पर आप अपने बच्चों की तरफ देखिएगा, अपनी बेटी की तरफ देखिएगा और खुद की तरफ भी देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए कैसे नायक तैयार कर रहे हैं। BCNC न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा क्योंकि यहां से होने वाली आय हम टोटल बाबा साहब के बच्चों को यानी अंबेडकर वादी बच्चों को पढ़ाने पे खर्च करते हैं। इसका कोई भी पैसा अर्थात इस चैनल से होने वाली आमदनी का कोई भी पैसा हम कहीं और खर्च नहीं करते, केवल हमारे स्टूडेंट हमारे जो टीचर हैं उसी के स्टाफ पर खर्च किया जाता है, कोई किसी का व्यक्तिगत खर्चा नहीं होता है। इस उद्देश्य के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने परिवार और फ्रेंड से सब्सक्राइब कराएंगे और इसके वीडियो बहुत से लोगों तक शेयर करवाएंगे। आपसे पुनः निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय जवाहर, जय बिरसा, जय पेरियार।